फिरोजाबाद त्रिशागंज विधायक हरिओम यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनके घर के बाहर उनके समर्थन में खुशी की लहर समर्थकों ने बांटी मिठाई। जय श्री राम, हरिओम यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के लगाए नारे। हरिओम यादव जिंदाबाद, हरिओम यादव जिंदाबाद, हरिओम यादव जिंदाबाद। आपको नहीं लग रहा कि तीन बार विधायक बने समाजवादी पार्टी इतने साल? ये तो सबको ही पता है, जनता उनके साथ है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जनता की पुकार पे ही गए। सुमित यादव। सुमित जी, आज मिठाई बांटी जा रही है हरिओम यादव जी के घर के बाहर, क्यों आप लोग मिठाई बांट रहे हैं? माननीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए उन्हीं सभी कार्यकर्ता लोग और उनके समर्थक यहाँ मिठाई बांट रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गए। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी किसी प्रत्याशी को खड़ा करती है क्या स्थिति रहेगी? जमानत जब्त हो जाएगी विधायक जी के सामने, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के। और पूरे आज जो असर पड़ा है, ये जो बात ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में, इससे पूरे मंडल में बहुत असर पड़ेगा। माननीय विधायक जी का पूरे मंडल में असर है, माननीय विधायक जी मंडल तक की राजनीति करते हैं, तो मंडल में पूरा असर पड़ेगा। और फिरोजाबाद जिला में 5 सीटें मान विधायक जी चाहेंगे उसकी होंगे, उसी दल की। सुखाबाद विधानसभा की जनता विधायक हरिओम यादव को ही चाह रही है, क्योंकि बाहर का प्रत्याशी कोई मदद करने नहीं आ रहा है, कोई परेशानी होती कुछ है। लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्षेत्र में जाके पता करो, हर लोग, मतलब छोटा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब हरिओम यादव चिल्ला रहे। अच्छा, समाजवादी पार्टी से कोई आता तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति आपको पता, वोट बोलेंगे तब बता देंगे हम आपको। नहीं, अभी दो लोगों ने कहा कि हम अपने 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 मन से क्या कहें, जब आप वोट खुलेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा। अच्छा, सही फैसला रहा भी? बिल्कुल सही रहा, क्योंकि जनता भी यही चाह रही थी, टिकट नहीं मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे विधायक जी, और चुनाव आपके सामने है, और चुनाव बहुत दमदारी से लड़ाई आएगा। आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर के न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड।